नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। पटना में एसएसपी मनु महाराज का बड़ा एक्शन, बदल दिए गए 156 सब इंस्पेक्टर और 2 एएसआई। 2 साल से जमे थे एक ही थाने में, कुछ के खिलाफ मिलने लगी थी शिकायतें। गया गैंगरेप मामले की जांच कर रही 2 टीम, शेरघाटी डीएसपी के नेतृत्व में 6 थानों की पुलिस कर रही छापेमारी। एएसपी को मिला है जांच का जिम्मा, एसएसपी ने पीसी कर दी मामले की जानकारी। गया गैंगरेप मामले में अब तक 3 आरोपी हुए अरेस्ट, पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया अस्पताल। पीड़िता ने दोषियों के लिए की है फांसी की मांग, बुधवार रात को मां बेटी से पिता के सामने हुई थी दरिंदगी। आरजेडी नेता पहुंचे गया के एएनएमसीएच, रेप कांड की पीड़ित बच्चे से की मुलाकात। पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता का बयान, बिहार सरकार हर मुद्दे पर है विफल। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव का ऐलान, जन अधिकार पार्टी का बिहार बंद 7 जुलाई को, रिजल्ट में गड़बड़ी और बढ़ते अपराध को लेकर बुलाएंगे बंद। 25 जून से चलेगा पार्टी का हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। पटना में इंटर काउंसिल के बाहर जन अधिकार छात्र परिषद का अनशन जारी, छात्र नेता गुरुवार से बैठे अनिश्चितकालीन अनशन पर। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच की कर रहे मांग, अनशन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव भी। 18 जून को होने वाले बिहार बंद का हम पार्टी ने भी किया समर्थन, पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान, बिहार बंद में शामिल होगा हम भी। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों ने बुलाया है बंद। बिहार में नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज, 18 जून को दिल्ली में राहुल गांधी ने बुलाई बैठक। बैठक में बिहार के 15 नेता लेंगे भाग, अभी बिहार कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कौकब कादरी। वैशाली में रिश्वत मामले में महिला एएसआई पर कार्रवाई, एएसआई वीरानिका किंडो हुई गिरफ्तार। एसपी नाम मानवजीत सिंह ढिल्लो ने की कार्रवाई, एएसआई के खिलाफ दर्ज हुआ था रिश्वत लेने का मामला। शेखपुरा में प्रसाद खाने से 40 से अधिक बच्चे बीमार, सभी को लाया गया सदर अस्पताल। एक घरेलू पूजा का सभी ने खाया था प्रसाद। अरियरी थाना के हुसैनाबाद गांव का है मामला। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए livecities.in के साथ। नमस्कार।